नमस्कार, मैं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक नेता सदाई सादिक के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पर बवाल मच गया है। भाजपा नेता और अभिनेत्री खुशबू सुंदर ने इस पर कड़ा एतराज जताते हुए कहा, वह मुझे शर्मिंदा नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने परिवार की महिलाओं और उनकी माताओं को शर्मसार कर रहे हैं। विदेशी मंत्री ने कहा, हाल के वर्षों में आतंकवादी संगठनों ने तकनीकी का इस्तेमाल कर अपनी क्षमताओं को बढ़ाया है। आतंकवादी तेजी से इंटरनेट व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं, जिनके जरिए वे समाज को अस्थिर करने के उद्देश्य से कट्टरता फैला रहे हैं। गुजरात चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है, इससे पहले आम आदमी पार्टी ने बड़ा दांव चला है। जानकारी के मुताबिक पार्टी सीएम पद के लिए स्थानीय चेहरे के साथ चुनाव में उतर सकती है। ऐसे में केजरीवाल ने सीएम पद के उम्मीदवार के लिए जनता से राय मांगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठ पर्व की तैयारियों को लेकर अफसरों के साथ बैठक की और दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी 30-31 अक्टूबर को लोक आस्था का महापर्व छठ मनाया जाना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में इस पर्व की विशिष्ट परंपरा रही है। हमारा प्रयास हो कि हर एक व्रतधारी श्रद्धालु जन को अधिकाधिक सुविधाएं उपलब्ध हो ताकि पर्व का आयोजन सुचारू पूर्वक सम्पन्न हो। इस वर्ष स्वच्छ और सुरक्षित छठ का संदेश लेकर लोगों की जरूरत के अनुसार सभी प्रबंध किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु प्रदूषण में कमी लाने के लिए मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इन मानकों का पालन न करने पर जिम्मेदार लोगों और संस्थाओं के खिलाफ कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई है। अलवर जिले के भिवाड़ी में गांव हमीराता गांव में दलित समाज के एक मंदिर में विवाद हो गया। अन्नकूट का प्रसाद फेंकने को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बड़ा कि कांग्रेस विधायक संदीप यादव के साथ ही धक्का मुक्की हो गई। बाद में मंदिर में तोड़फोड़ भी हुई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। गुजरात के दाहोद में गहलोत ने कहा कि भाजपा ने एक कृत्रिम आभा पैदा की थी जो अब खत्म हो रही है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा को गुजरात के आगामी चुनाव के प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। राहुल गांधी ने एलन मस्क को बधाई संदेश के साथ साथ एक ग्राफ भी शेयर किया, जिसमें कथित ट्विटर फॉलोअर के डेटा में हेराफेरी को दिखाया गया। पिछले साल दिसंबर में राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर उनके फॉलोअर की संख्या को प्रतिबंधित किया जा रहा है। महाराष्ट्र के मराठी भाषी और गैर मराठी भाषी मुस्लिमों ने उद्धव ठाकरे नीतीश शिवसेना का समर्थन किया है। बीते दिनों मराठी मुस्लिम सेवा संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने ठाकरे से मुलाकात कर अपना समर्थन जताया है। कार्तिक आर्यन बॉलीवुड के शानदार अभिनेता हैं, जो अपनी दमदार एक्टिंग के साथ साथ कूल अंदाज के लिए भी पसंद किए जाते हैं। बीते दिनों अभिनेता ने भूलभुलैया 2 से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था और अब कार्तिक अपनी नई फिल्म सत्य प्रेम की कथा की शूटिंग में बिजी हो गए हैं। इन दिनों कार्तिक अहमदाबाद में है, यहाँ पर अपनी इस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभिनेता को देख कर फैंस पागल हो गए हैं, जिसकी एक झलक खुद कार्तिक ने दिखाई है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ।